फ्रेंड्स, एक खबर आ रही है। ये खबर अर्जुन रामपाल से रिलेटेड है। आप लोगों को ध्यान होगा, अर्जुन रामपाल को रिसेंटली एनसीबी द्वारा समन किया गया था, लेकिन अभी एक खबर आ रही है। ये खबर जी न्यूज़ की है। ये मेरी कोई खबर नहीं है, मेरा कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये एक जांच का विषय है, लेकिन खबर आ रही है जी न्यूज़ इंडिया डॉट कॉम से। खबर ये है कि अर्जुन रामपाल देश छोड़कर जा चुके हैं। हाल ही में एनसीबी ने उन्हें 16 दिसंबर को बुलाया था, एक बार फिर उपस्थित होने को कहा था, लेकिन अर्जुन एनसीबी के सामने पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुए थे। वहीं अब उन्हें लेकर ये चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। इस समन के बाद अर्जुन रामपाल एनसीबी के सामने उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने वकील के जरिए 22 दिसंबर तक के वक्त की मांग की थी, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो उनकी अपकमिंग फिल्म नेल पॉलिश का प्रचार काम देख रही टीम ने जानकारी दी है कि अर्जुन रामपाल इन दिनों देश के बाहर हैं। वह बीते दिनों किसी काम से लंदन गए थे। फिल्म के प्रमोशन में भी परेशानी आ रही है। इस खबर की माने तो यही वजह है कि अर्जुन रामपाल की शुक्रवार को मीडिया से होने वाली बातचीत भी टाल दी गई थी। बता दें कि अर्जुन रामपाल की यह फिल्म नेल पॉलिश नए साल के पहले दिन ओटीटी पर रिलीज होनी है। ये सितारे भी जांच के बीच में छोड़ चुके हैं देश। एनसीबी की जांच के बीच देश छोड़कर जाने वाले फिल्म सितारों में अर्जुन रामपाल पहले नहीं हैं। उनके पहले एक्टर सपना पब्बी भी समन मिलने के तुरंत बाद लंदन चली गई थी। बाद में सोशल मीडिया पर सपना ने कहा कि वह एनसीबी को जानकारी देकर लंदन आई है। याद दिला दें कि हाल ही में एक बार फिर करण जौहर को एनसीबी ने समन के बाद यह फिर सुर्खियों में छाया है। इस मामले में बॉलीवुड के कई सितारों पर एनसीबी का शिकंजा कस चुका है। कई सितारों से अब भी पूछताछ जारी है, लेकिन मामला जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि खबर ये है कि फिलहाल अर्जुन रामपाल देश में नहीं है। खैर, उन्होंने दिसंबर 22 तक का टाइम मांगा हुआ है। वो है या नहीं है ये तो वही जानते हैं या एनसीबी जानती है। खैर, ये जी न्यूज़ इंडिया डॉट कॉम के हवाले से खबर आई है। इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर कर रहा हूँ क्योंकि ये एक खबर है। तो फिलहाल एक खबर, वेट करेंगे 22 तारीख तक कि क्या रहेगा। अर्जुन रामपाल यहाँ है या नहीं है, आने वाला वक्त बताएगा। और बाकी जो भी खबरें आएंगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में। धन्यवाद।